बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम क्लास मैट्रिक। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर थर्ड लेक्चर एंड अवर टॉपिक इज सबसेट। व्हाट इज अ सबसेट? अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। जो सेट है ए वो सबसेट कहलाएगा बी का अगर ए के सारे एलिमेंट मौजूद होंगे बी में, तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। सबसेट की जो साइन होती है वो ये होती है, ए सबसेट ऑफ बी। इट मींस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल, ए कंटेन 1, 2, 3 एंड बी कंटेन 1, 2, 3, 4। Every element of A is also an element of B, so A is subset of B, and for subset we use this sign. Here are two important notes. The first is every set is a subset of itself. Null set is a subset of every set. I will describe these two points you later in example. Subset also categorize as proper subset and improper subset. अब subset के दो types होते हैं, एक proper subset और दूसरा improper subset। अगर A set और B set बराबर नहीं होंगे and A के कुछ elements B में मौजूद होंगे, तो हम कहेंगे कि A is a proper subset of B. If set A is a subset of set B and A is not equal to B, then we write A is proper subset of B. This is a sign used for the improper proper subset. This is a sign used for the proper subset. If set A is a subset of B and A not equal to B, then we write A proper subset of B. This sign is used to show proper subset. For example, A is 1, 2, 3, 4 and B is 1, 2, 3, 4, 5. All element of A present in B set and A is not equal to B, so A is proper subset of B. Now coming to the next type, that is improper subset. अब देखते हैं improper subset क्या होता है. Two set A and B are said to be improper subset if A equal to B. It implies that A improper subset of B or B is improper subset of A. अगर दो सेट वो बिल्कुल इक्वल होंगे, द एलिमेंट्स ऑफ A आर 1, 2, 3 एंड एलिमेंट्स ऑफ B आर 1, 2, 3, दोनों के एलिमेंट्स सेम होंगे, तो हम कहेंगे कि A improper subset of B है और B भी improper subset of A है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स सेम है। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको जो साइन बताई थी सबसेट की, तो सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की साइन बिल्कुल सेम है। ईच सेट ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब यहाँ पे देखें, ईच सेट इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इनफैक्ट द ओनली इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट इज़ द सेट इटसेल्फ। अब देखें, कोई भी सेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए इज़ 1, 2, 3, 4, तो वो उसके जितने भी हम सबसेट बनाएंगे, पहले 1 लिखेंगे, 2, 3, 4, तो लास्ट में जो होगा वो सेट लास्ट में जो आएगा 1, 2, 3, 4, वो वही सबसेट होगा और वो एक ही होगा। खुद का जो सेट ए होता है वो खुद का भी इम्प्रॉपर सबसेट ही होता है। तो इसको मैं इस पॉइंट को आपको एग्जांपल में ये भी डिस्क्राइब कर दूंगा। और जो हमने सबसेट की दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी वो भी मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा एग्जांपल में। यहाँ पे देखें, पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। हम किसी भी सेट, मतलब लेट्स सपोज ए के पॉसिबल सबसेट बना सकते हैं, तो वो हमारे पावर सेट कहलाएंगे और पावर सेट को हम पी ऑफ ए से लिखते हैं। पावर सेट और सबसेट बिल्कुल ईजी हैं और दोनों सेम ही हैं, दोनों बहुत ईजी हैं, दोनों को समझना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। लेकिन पावर सेट और सब सेट में लिखने में थोड़ा चेंज होता है, मैं आपको वो एग्जांपल में समझाऊंगा। लेकिन आप यहाँ पे ये समझ लें कि
कि पावर सेट होता क्या है। हम जितने भी किसी सेट के पॉसिबल सबसेट बना सकेंगे तो वो हमारे पावर सेट कहलाएंगे, और पावर सेट को हम पी ऑफ ए से लिखते हैं। अभी हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 4, उसके कितने टोटल पावर सेट बनाएंगे हम कैलकुलेट करेंगे फार्मूला से 2 पावर n, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं और टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कैलकुलेट करते हैं। ये फार्मूला यूज़ करके हम टोटल नंबर ऑफ पावर सेट मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको अगर कहूँ ए में एलिमेंट मौजूद हैं ए बी सी डी, ए में कितने एलिमेंट मौजूद हैं, टोटल 4 एलिमेंट मौजूद हैं, और वो कौन से हैं, ए बी सी डी। अब अगर 2 पावर 4 करेंगे तो 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2, मीन्स 4 बार 2। उन सबको आपस मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर होगा हमारा, वो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट होंगे। मैं अभी आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, जब हम ये एग्जांपल करेंगे तो आपको बहुत वहाँ पे क्लेरिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें एग्जांपल ऑफ सेट, यहाँ पे कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट सेट के एग्जांपल्स हैं, उनको देख लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और ये चलते रहते हैं, इसलिए एक इनफिनाइट सेट है, यहाँ पे हमने 3 डॉट्स लगाए हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स, ये भी इनफिनाइट सेट है और ये जो एलिमेंट्स हैं वो होल नंबर वो 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स में दोनों आ जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स भी, +-1 +-2 +-3 0 से स्टार्ट होंगे और ये भी कंटिन्यू होंगे। सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर आपको पता है वो होते हैं नंबर्स जो सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होंगे, तो ऐसे नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड हों उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं, 2 3 5 7 11 and 13 17 19 and so on, तो ये भी कंटिन्यू होते हैं, ये चलते रहते हैं, तो हमने यहाँ पे 3 डॉट्स लगाए हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, आपको पता है ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, ठीक है, ये हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। यहाँ पे भी हमने ऑड नंबर हमारे पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं, तो हमने यहाँ पे प्लस माइनस शो किया हुआ है और ये भी कंटिन्यू है, ये चलते रहेंगे। ऑड नंबर का अपोजिट जो होता है वो इवन नंबर होता है, इवन नंबर कौन से होते हैं, +-2 +-4 +-6 +-8 +-10, और ये भी कंटिन्यू है, तो हमने यहाँ पे 3 डॉट्स लगाए हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी अपान क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो इनके लिए साइन यूज़ होती है वो जेड यूज़ होती है। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी अपान क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते और इसको हम क्यू डैश से शो करते हैं, दिस इज़ अ क्यू एंड दिस इज़ अ क्यू डैश। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऊपर लाइन, ये क्यू डैश की लाइन है। रियल नंबर्स, क्यू और क्यू डैश की हम यूनियन करेंगे, दोनों को मिला के हम अगर तरतीब से लिखेंगे तो ये हमारा रियल नंबर का सेट बन जाएगा। तो इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसी तरह हमारे जो रियल नंबर्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव रियल नंबर भी हो सकते हैं। जेड प्लस शोज़ द पॉजिटिव रियल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जेड माइनस शोज़ द नेगेटिव इंटीजर्स एंड प्लस आर शोज़ द पॉजिटिव रियल नंबर एंड नेगेटिव आर शोज़ द नेगेटिव रियल नंबर। एंड चलते हैं अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 पर। इस एक्सरसाइज में हमने जिस तरह पढ़ा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो होती है वो 3 मेथड्स में होती है, एक टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर नोटेशन। अब यहाँ पे हमें टेबुलर और सेट बिल्डर यूज़ करनी है, सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ करनी है किसी भी सेट को लिखने के लिए। सेट हमें दिया हुआ है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2 and less than 6, हमें पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं जो ग्रेटर हो 2 से और लेस देन हो 6 से। सबसे पहले हम टेबुलर में लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए, कोई भी नाम दे सकते हैं, जेड दे दे, ए दे दे, बी दे दे, लेकिन बेस्ट नेम वो होता है जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम इवन नंबर को ई से डिनोट करते हैं, तो ई बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप कैपिटल ए दे देंगी तो ये भी कोई मसला नहीं होगा हमारे पास। ए इक्वल टू, अब देखें इंटीजर्स ग्रेटर देन 2, सारे नंबर जो हैं वो इंटीजर्स होते हैं, 1 2 3 4 5। अब ग्रेटर देन 2 मतलब 3 आएगा यहाँ पे, 4 आएगा, और लेस देन 6 मतलब 5 आएगा, यहाँ पे आंसर होगा 3 4 5। इसी तरह हम लिखेंगे x such that x belongs to positive integer एंड 2 less than x less than 6। अब यहाँ पे देखें 2 less than x, लेकिन हमको हम पढ़ेंगे यहाँ पे x greater than 2 and x less than 6, इसको इस तरह पढ़ा जाता है। यहाँ पे लिखेंगे 2 less than x, मतलब x जो होगा वो 2 से ग्रेटर होगा, 3 4 5, और कहाँ तक जाना है हमें, लेस देन 6, इसलिए मैंने यहाँ पे x लेस देन 6 लिखा है यहाँ पे। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। x such that x सब सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा, बिलोंग्स टू साइन भी सब में आएगी,
अच्छा जो हमने नंबर लिखे हैं वो कौन से हैं, वो हैं इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, तभी हमने यहाँ पे जेड प्लस लिखा हुआ है। उसके बाद एंड की साइन भी सब में आएगी। अब यहाँ पे देखें ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये जो एक्स होगा हमारा मतलब थ्री होगा वो टू से ग्रेटर होगा, तो टू लेस देन एक्स मतलब एक्स ग्रेटर देन टू और एक्स लेस देन होगा सिक्स। अब यहाँ पे देखें द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20 डेटा डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे देखें पॉजिटिव इंटीजर का सेट लेकिन वो लेस देन 20 होना चाहिए और जो डिविजिबल भी हो 5 से। अब 5 से 5 की टेबल में 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है, लेकिन 20 से लेस हो तो हम सिर्फ लिखेंगे 5, 10 एंड 15। इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप एक्स सच डेट एक्स भी लिख सकते हैं या वाई सच डेट वाई लिखा है हमने। बिलोंग्स टू कौन से हैं यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, तो उसको जेड प्लस से शो करते हैं, एंड साइन लगाएंगे, और जो वाई है अब ये क्या हो लेस देन 20 हो और ये डिविजिबल बाय 5 हो, तो हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है वाई इज़ लेस देन 20 एंड डेटा इज डिविजिबल बाय 5। तो हमारी ये सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँगा। आप प्रैक्टिस करें, मैथ जो है प्रैक्टिस का नाम है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको ज़्यादा आएगी। तो ए और बी हो गए, बाकी इसमें जो बाकी क्वेश्चन नंबर 1 में सी और डी हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी है जिसमें हमें नल सेट, सिर्फ ये बताना है कि कौन से सेट हमारे नल सेट हैं, वो भी आप खुद से कर लीजिएगा और ये आपका होमवर्क है, आप मुझे सबमिट करवाएंगे ताकि मैं आपको ये वेरीफाई करके दूंगा कि कौन से सही हैं, तो फिर आपको उसको आप फेयर कॉपी भी करेंगे। क्वेश्चन सी एंड डी आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है जिसमें आपको नल सेट बताना है कि कौन से सेट हमारे नल सेट हैं, एंड क्वेश्चन 3 भी आपका होमवर्क है जिसमें आप ये बताएंगे कि कौन से सेट हमारे फिनाइट हैं एंड कौन से सेट हमारे इनफिनाइट हैं। फिनाइट आपको पता है कि जो सेट ख़त्म होगा मतलब जिसके एलिमेंट्स लिमिटेड होंगे हम उनको लिस्ट कर सकेंगे तो वो हमारा फिनाइट सेट होगा, लेकिन कुछ सेट ऐसे भी होते हैं जो ख़त्म नहीं होते वो चलते रहते हैं तो वो इनफिनाइट होते हैं। तो क्वेश्चन 3 में आपको ये बताना है कि कौन से सेट हमारे फिनाइट हैं एंड कौन से सेट हमारे इनफिनाइट हैं। क्वेश्चन 2 एंड 3 एंड क्वेश्चन 1 का टाइप सी एंड टाइप डी, तो ये आपको करने हैं एंड ये आपका होमवर्क है। आप मुझे आज जो है वेनसडे है लेकिन ऑन फ्राइडे आप मुझे सबमिट कराएंगे और मैं आपको ये वेरीफाई करके दे दूँगा, तो आप वो अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा। तो फ्राइडे मुझे ये आपका होमवर्क सबमिट होना चाहिए, स्कूल के व्हाट्सएप पे आप ये सेंड करेंगे एंड उसके बाद हम फिर क्वेश्चन 4 एंड 5 आगे चलेंगे। तो अभी इस लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे वो पूछ लेना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।